कर दिए, लेट द पुलिस कम, उसके बाद मैं बात करूंगी। ये गंजा ये जो बातें आप सुनकर के आ रहे हैं, जिस वीडियो को आपने देखा है, ये इतना भर नहीं है, बड़ा वीडियो है। बड़ा वीडियो हम आके आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले ये बता दें कि आज अभी थोड़ी देर पहले स्वाति मालीवाल मामले में ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही तेजी से ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि स्वाति मालीवाल की आवाज सुनाई दे रही है, सिक्योरिटी के लोग हैं, मुख्यमंत्री आवास का ड्रॉइंग रूम है, और वहां क्या कुछ हो रहा है। पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, शुरू से आखिर तक सुनिए। देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सुनने के लिए है। फिर इस वीडियो पे और स्वाति मालीवाल के मामले पे अभी तक जो अपडेट्स आई हैं, उस पर अपने साथी उपेंद्र से बातचीत करेंगे। उपेंद्र, पहले लोगों को वीडियो दिखा देते हैं ना, पूरा वीडियो देख लें, क्योंकि ये सोशल मीडिया देखने से अच्छा है पहले सुने, है ना, उसमें सुनने के लिए ज्यादा, सुनने के लिए ज्यादा। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। पुलिस भी तो आ रही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना, कुछ नहीं होता, अंदर ही आएगी। जो होगा मैडम, प्लीज उठा के पहन, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा, गंजा प्लीज मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलिए। अब आपने वीडियो देख लिया है, सबसे पहले उपेंद्र एक मिनट रुक जाते हैं, सबसे पहले आइए वीडियो पे जो लेटेस्ट अपडेट आया है स्वाति मालीवाल की तरफ से, उन्होंने ट्वीट किया है। गौरव, क्या है ट्वीट में? इस ट्वीट में स्वाति मालीवाल ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के आधे बिना संदर्भ की वीडियो चला के ऐसे लगता है कि यह अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है, एक न एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। अब इसमें ये हिटमैन किसको कह रहे हैं, राजनीतिक हिटमैन किस पे इशारा है? ये विभव कुमार पे इशारा है या अरविंद केजरीवाल? अब बिल्कुल मुझे भी यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल की ओर ही ये इशारा है, क्योंकि जैसा कि आम आदमी पार्टी ने शुरू में ही ये दावा कर दिया, खुद से ही एक्सेप्ट किया है कि उनके साथ मारपीट या बदसलूकी जो भी हुई है वहाँ पर हुई है, तो अब मुझे लगता है कि उसी मामले में ये देखिए वीडियो आया, वीडियो के बाद स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके बताया, आरोप लगाया, राजनीतिक हिटमैन जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, और उसका सीधा मतलब ये है कि अब इस मामले में साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है। अभी तक विभव कुमार की बात हो रही थी, अब अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो चुकी है। मुझे ये समझना है, हम दोनों को समझना है, मुझे लगता है पहले तो ये वीडियो देख करके आपको क्या लगा ये बताइए। देखिए पहले वीडियो से कई सवाल, पहले तो हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। हाँ, ये तो मैंने बोला है। अगर वीडियो हम उसको देखते हैं तो आप वीडियो को जब बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे नहीं, आप इस पर पुष्टि करने वाली बात भी नहीं रही, क्योंकि स्वाति मालीवाल खुद ही कह रही है कि वीडियो जारी करवाया गया है। हाँ, वो ये कह रही है कि आधा अधूरा है। फिर भी एक तरफ से हम ये अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे तरफ से ना शूट किया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आ रहा है और ये दावा किया जा चुका है। स्वाति मालीवाल ने भी वीडियो को कहा है कि ये अधूरा है, यानी कि एक तरह से आप मान लीजिए कि वो सही भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से पुष्टि नहीं करते। आपको ये वीडियो देख करके क्या लगा? अब उस वीडियो में देख सुनने के बाद यही लग रहा है कि जब पहली कॉल इन्होंने किया है, जिसमें वो वीडियो में कहती नजर आए कि हम सिविल लाइन्स के एसएचओ को पहले कॉल करूंगी, उधर से जवाब आता है कि आप यहाँ से कॉल नहीं कर सकती, तो वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं से आवास के अंदर से ही कॉल करूंगी। अब मुझे उठा के फेंको, अगर अब तुमको फेंकना है यहाँ से तो हमको उठा के फेंको, तो वो कहती है कि मैंने कॉल कर दिया, जो होगा इस उच्चो पुलिस में। लेकिन जब पुलिस का बयान सामने आया तो पुलिस ने कहा कि पहली जब कॉल आई तो उधर से स्वाति मालीवाल ने कहा कि हमारे साथ मारपीट हुई है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इससे अभी फिलहाल जब, क्योंकि वो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो आपको एक तरह से लगेगा कि अभी मारपीट नहीं हुई है, क्योंकि रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मैडम आप चले जाइए, बाहर चले जाइए, बाहर चले जाइए। इसको ऐसा वीडियो को देखकर के ऐसा लग रहा है, जैसा हालांकि स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि संदर्भों के बिना है, हम उस पर भी ज्यादा नहीं, लेकिन उस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि जहां वो कॉल करने की बात करें उसके पहले कोई हीटेड आर्गुमेंट हुआ है किसी के साथ, बातचीत हुई है, बातचीत हुई है इस तरीके का, मतलब कि उसके बाद और ज्यादा हीटेड आर्गुमेंट हुआ है। पहले हुआ है कि हम आप जाइए यहाँ से निकलिए, क्योंकि वो बैठी हुई है ड्राइंग रूम में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी के लोग हैं, मुख्यमंत्री आवास पे जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो बार बार कर रहे हैं, और उसके पीछे बैकग्राउंड से एक आवाज आ रही है एक और पुरुष
सिक्योरिटी गार्ड के होंगे, वो कहे होंगे कि मैडम चलिए चलिए चलिए, वो बोले कि आप पढ़ी लिखी हैं, आप तो करें कि हमको उठा के फेंक दो। खैर, इस वीडियो में जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि स्वाति मालवाल कह रही है कि हमने सिविल लाइन थाने को फोन कर दिया, वो फिर वो कॉल की पुष्टि हो गई जो पुलिस को कॉल गई थी, जिसमें बात कही कि मेरे साथ मारपीट हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ के जब सिक्योरिटी के लोग कहते हैं कि आप बाहर चलिए और बाहर चलिए, पुलिस भी बाहर ही आएगी, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं यहीं रहूंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो, तुम्हारी नौकरी भी खाऊंगी, वो सिक्योरिटी वालों को कहती हुई दिख रही है, नौकरी भी खाऊंगी। आखिर में वो गाली देते हुए गंजा शब्द का इस्तेमाल करती है, यहाँ तक ये वीडियो खत्म हो जाता है। हाँ, तो जिस वीडियो में जितना दिखा हम उसी बारे में बात करें। अभी तक इस मामले में और लेटेस्ट जानकारी क्या है उपेंद्र? जानकारी यही है कि जैसे आपने गौरव बता रहे थे कि लेटेस्ट जानकारी इस वीडियो पे खुद रिएक्शन आया उसके पहले अग्रवाल ने कहा है कि ये अब एंट्री हो चुकी है उनकी, जो उनको अग्रवाल पे करना होगा कर। इससे पहले कल क्या हुआ कि सबसे पहले मामला डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक्सेप्ट किया गया, संजय सिंह आए सामने, परसों सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता देते हैं, परसों आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम कार्रवाई करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद से कल क्या हुआ कि उनकी एक तस्वीर वायरल हो जाती है, लखनऊ गए थे अखिलेश यादव के साथ, उन्होंने पीसी की एयरपोर्ट पे, विभव कुमार उनके साथ हंसते हुए नजर आ रहे हैं, संजय सिंह हंसते नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहाँ मौजूद है। उसके बाद जब वो वायरल हुई तो उसके बाद भी कुछ कहा नहीं गया। उसके बाद से NCW ने ऑटोमेटिक उन्होंने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी स्वाति मालीवाल के मामले में, यानी कि अभी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही थी अंदर से अंदर कि इनको हम मामले को दबाने की कोशिश हम अपने आप में सलटा लेंगे, लेकिन इसमें एंट्री होती है NCW की, यानी कि नेशनल वुमेन कमीशन की एंट्री होती है, वो रिपोर्ट मांगती है दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस तुरंत पहुंचती है कल स्वाति मालीवाल के घर, IPS अधिकारी पहुंचे, लगभग 3-4 घंटे उनके घर पे रहते हैं, और उसके बाद मामला ये होता है कि पहली बार लिखित शिकायत स्वाति मालीवाल दर्ज कराती है। आज की जानकारी ये है, मैं आपको बताऊं, हां वो तिसहरी कोर्ट पहुंची है, उन्होंने जज के सामने बयान दर्ज करवाया, वीडियो बड़ा मार्मिक आ रहा है, क्या जब वो तिसहरी कोर्ट से जो उतर रही है और जिस तरीके से उनको चलने में दिक्कत हो रही है, स्वाति मालीवाल को किस तरीके से कभी इमेजिन नहीं किया था, लाचार स्थिति में देखा नहीं था, वो बहुत बोल्ड हैं, बहुत मजबूती से दूसरी महिलाओं के लिए लड़ती रही हैं, हमें नहीं पता उस दिन ड्राइंग रूम में क्या हुआ था, दोनों पक्ष के अब अपने अपने दावे आ रहे हैं, लेकिन वीडियो में अभी वीडियो बगल में चल भी रहा है, स्वाति मालीवाल जैसे उतर रही है सीढ़ियों से, उनको उतरने में जो दिक्कत हो रही है आप देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं आप, तो स्वाति मालीवाल को इस तरीके से इमेजिन नहीं किया था। हम इस वीडियो को यही खत्म करेंगे, लेटेस्ट जानकारी अभी इसमें यही है कि स्वाति मालीवाल ने एक तरीके से 30,000 कोर्ट में जाकर के जज के सामने बयान दे दिया है, लिखित शिकायत दर्ज हो चुकी है। दूसरी जानकारी ये भी मैं देख रहा था कि दिल्ली पुलिस की टीम जो विभव कुमार है उनके घर पहुंची थी, लेकिन उन्होंने घर में एंट्री नहीं दी तो पुलिस वहां से लौट गई है, ये भी अभी की लेटेस्ट जानकारी है, देखते हैं आगे और क्या जानकारी आती है तो फिर अपने दर्शकों को बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।